सर ईगो एक बड़ा इशू है कपल्स में। अब दोनों ही हस्बैंड वाइफ वर्किंग है, अब दोनों ही अच्छा पैकेज ले रहे हैं, कौन किसकी सुने? इस सिचुएशन को आप कैसे रिजॉल्व करेंगे? मैं तो ये कहूँगा, मैं पुरुषों की उनको लोअर डाउन नहीं उनकी पोजीशन कर रहा, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि जो बीवी कहती है मान जाओ और जो है बहस मत करो, और उसको सिचुएशन को आप साइडलाइन करके कुछ और उसको शिफ्ट कर दो, कहीं पर और अटेंशन कर दो। स्टार्ट टॉकिंग अबाउट समथिंग डिफरेंट। यू मे रेज सम क्वेश्चन कि जी अच्छा वो हमने एक पार्टी के लिए सोचा था, आओ उसकी प्लानिंग कर लें या कुछ और कर लें। देयर आर सो मैनी थिंग्स टू शिफ्ट करने के लिए, तो कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, किया जा सकता है। तो लेकिन ये तो ईगो तो एक किनारे रखनी पड़ेगी, ऐसा नहीं होगा कि दोनों। और मैंने आपको कहा टकराने से कभी कोई चीज़ समस्या नहीं हल हो सकती, नहीं हल हो सकती। दोनों तरफ आप अपने योद्धा खड़े कर दीजिए लड़ाई करने के लिए, मान लीजिए कोई अंत है उसका? कोई नहीं अंत है। खूनो खून कर दो, लहू लुहान कर दो, क्या फ़ायदा? उससे होना क्या है? आप उसको सोचो ना, एंड वाले रिजल्ट को सोचो ज़रा सा, थोड़ा सा बस। वो एक पॉज है, मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है अपने उस गोल्डन रूल्स में, पॉज लिखा हुआ है, प्रैक्टिस द पॉज। वहाँ प्रैक्टिस द पॉज। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि वो सिचुएशन अपने हाथ में है। अब देखिए एक और चीज़ है, आप अपने मन में एक विश्वास रखिए कि हर वक्त सिचुएशन मेरे अपने हाथ में है। ये एक पॉजिटिव थॉट है ये, और इस पॉजिटिव थॉट को और अगर आप बनाए रखें तो कोई, मैं नहीं समझता हूँ कि आप किसी भी वक्त जो है सिचुएशन आपके हाथ से निकल सकती है, या आप जो है किसी भी हालत में जो है कोई आपका लड़ाई झगड़े का कोई सीन ऐसा पैदा हो, वहाँ तक पहुँचने मत दीजिए पहली बात। और मान लीजिए अगर पहुँच जाता है तो कहीं ना कहीं तो विड्रॉ तो करोगे ही, बेटर है पहले कर लो। अल्टीमेटली आपने जो, मैं ये कहता हूँ कि भैया पुरुषों को मैं ये कहूँगा, भगवान ने तुमको ताकतवर बनाया, कहीं पर झुकना भी सीखो, और इससे बढ़ के और क्या जगह होगी कि आप अपनी पत्नी के सामने झुक रहे हो, इससे बढ़ के और क्या स्थान हो सकता है? खुशी तो मिल रही है ना। यू सी द प्राइस, व्हाट प्राइस यू आर गेटिंग। आपको इनाम कौन सा मिल रहा है? वो इनाम ये है कि आपका घर खुशहाल, जब भी आपकी बीवी कहीं बाहर जाएगी तो आपको तारीफ़ करेगी, और आप भी कहोगे कि नहीं हमारे घर में तो झगड़े होते ही नहीं हैं। आप खुद कहोगे कि अरे हमारे घर में तो झगड़े होते ही नहीं, ये होने का मौका नहीं देते। तो है, मेरा अपना ये कहना है कि है आपके अपने हाथ में, ये सारी चीज़ें अपने हाथ में हैं। और जो कम्युनिकेशन इश्यूज होते हैं लोगों के बीच में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम नॉन कम्युनिकेशन है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम नॉन कम्युनिकेशन है। ये मैंने इस 21 चैप्टर में कम्युनिकेशन का भी एक चैप्टर ले रखा है मैंने। मैं अब आपको कहानी भी सुनाता हूँ। मैं, हमारा अपना ही नज़दीक का, किसी से कर्ज ले लिया उसने, और कर्ज ले लिया तो अब उसके बाद जो है वो दे नहीं पा रहा था। तो हम गए तो उसकी मदर ने मुझे ये कहा कि ये कर्ज लेके बैठा हुआ है, और वो रोज़ाना आकर के वो इसको फ़ोन करता है, ये फ़ोन नहीं उठाता, ये दरवाज़ा घर पे आ जाता है तो ये जाता नहीं है। मैंने कहा ये तो बड़ी गलत बात है, बड़ी गलत बात है। यू हैव स्टॉप्ड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जहाँ पर नहीं है वहाँ पर कोई भी मामला बनता बनाया भी बिगड़ सकता है, और कोई अच्छे खराब होता हुआ भी और ज़्यादा उलझ सकता है। वो तुम जाओ, मान लो उसके तुमने 10,000 उसके देने हैं, तुम उसको ये कहो कि मैं सिर्फ 500 रुपये दे सकता हूँ, ये लो पकड़ लो। तुम आप पकड़ो तो सही प्लीज़, चौथे दिन मैं फिर आ जाऊँगा 500 देने के लिए। अगर आप एक दफ़ा देना शुरू करोगे, कम्युनिकेट करोगे, आपकी समस्या हल हो जाएगी। लेकिन ऐसे छुप के बैठने से, तो ये जो कम्युनिकेशन वाली जो बात है, ये कम्युनिकेशन तो हर जगह की ज़रूरत है। आपको आपको रिलेशनशिप में भी चाहिए, आपको बिज़नेस में भी कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, आपको अपने, अगर आप लीडर हैं और आपको अपने मासेस के साथ अगर जुड़ना है, मासेस के साथ भी अगर आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो आप कैसे मासेस के साथ कैसे जुड़ेंगे। तो कम्युनिकेशन तो बहुत ज़रूरी है।